गुड मॉर्निंग, वेलकम टू आवर चैनल बीएचयू पाठशाला। आज हम जिस कोर्स की बात करने जा रहे हैं वो है एमए हिस्ट्री। एमए हिस्ट्री का एंट्रेंस जो है वो हम उस पर बात करने वाले हैं कि आपको किस तरीके से करना है, कैसे करना है। बहुत सारे लोग बैठे होंगे तैयारी करने के लिए, जिन्हें इस बार यूनिवर्सिटी में, बहुत सारी यूनिवर्सिटी के फॉर्म आते हैं, उनमें पार्टिसिपेट करना है, उसमें एडमिशन लेना है। तो हम आपको उसी मोड पे लेके चलेंगे कि आप कैसे एडमिशन लें, किस तरीके से, किस यूनिवर्सिटी में आपके लिए अच्छा रहेगा, आप किस तरीके से तैयारी करके ले सकते हैं, आगे यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के बाद आपको क्या क्या सजेशन मिलेंगे कि आप आगे फ्यूचर के लिए क्या कर सकते हैं। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एमए हिस्ट्री की कोर्स की। जिस बहुत सारे लोग हैं जिनका यूजी में हिस्ट्री रहा है, उन्होंने अपना करियर हिस्ट्री के लिए चुना है। बहुत सारे यूपीएससी पर्पस से भी हिस्ट्री को लेके बैठे हैं कि ऑप्शनल में वो हिस्ट्री ही लेंगे। तो इसी पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखेंगे कि अगर आप इसी यूनिवर्सिटी बीएचयू की बात करें, या जेएनयू की बात करें, या डीयू की बात करें, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की बात करें, अगर आप इन सारी यूनिवर्सिटियों से एमए हिस्ट्री का कोर्स करते हैं तो आपके लिए कितना यूजफुल रहेगा, आगे चल के फ्यूचर में कितना काम आएगा, इस बात पर हम ध्यान देंगे। अब हम बात करेंगे एमए हिस्ट्री के एग्ज़ाम पैटर्न की। इस एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कितना टाइम ड्यूरेशन होता है, क्या क्या सिलेबस है। सिलेबस अगर हिस्ट्री की बात करें तो सबको पता है कि हिस्ट्री पढ़ने वाले जो भी हैं वो अच्छे से जानते हैं कि हिस्ट्री का सिलेबस बहुत बड़ा होता है। इसे हम कवर अप करने में ही 3 साल गुजारते हैं यूजी के, तो वो किस तरीके से हमें कवर करना है। फिर हम स्ट्रैटजी की बात करेंगे कि हम कितना कैपेसिटी लगाएं, कितना एफर्ट लगाएं कि जिससे हम इसका पूरा सिलेबस कवर कर सकें और एंट्रेंस में क्वालिफाई हो सके। फिर हम बात करेंगे सजेशन की कि हम अगर ये एमए हिस्ट्री का कोर्स कर रहे हैं किसी भी यूनिवर्सिटी से, चाहे बीएचयू हो, जेएनयू हो, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हो, तो आगे चल के फ्यूचर में हमारे लिए क्या अच्छा रहेगा, क्या क्या जॉब की सिक्योरिटी रहेगी, किस फील्ड में जा सकते हैं और कितना उसका इंपॉर्टेंस होता है, तो इसको जानेंगे। फिर आगे हम देखेंगे कि अगर हम एमए हिस्ट्री के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसका क्राइटेरिया क्या है, क्या क्या ज़रूरत है, क्या क्या डिग्री लगेगी, किस चीज़ की ज़रूरत है, सब्जेक्ट क्या होना चाहिए। अगर हम नॉन सब्जेक्ट से आ रहे हैं जो हिस्ट्री से इतर है, उनके लिए कैसे ये फील्ड रहेगा, चुनने में क्या रहेगा, इस बात को ध्यान रखेंगे। क्योंकि मोस्टली लोग यूपीएससी के पर्पज़ से हिस्ट्री को ऑप्शनल में ले लेते हैं जो अदर सब्जेक्ट के बैकग्राउंड से रहते हैं, तो उनके लिए कहाँ तक यूज़फुल है ये, इस बात को हम ध्यान देंगे। फिर हम आगे देखेंगे कि जो हमारा एग्ज़ाम का पैटर्न है, हमारा एग्ज़ाम का पैटर्न जो है ये सीबीटी मोड पे है, ऑनलाइन मोड पे होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होता है। इसका हम टाइमिंग देखेंगे तो 2 घंटे का होता है, जिसमें आपको पूरे 120 क्वेश्चन करने होते हैं। 120 क्वेश्चन का जो ये टारगेट है, हम जो 120 क्वेश्चन का देखेंगे, ये अलग अलग यूनिवर्सिटी के अलग अलग क्वेश्चन फिक्स होते हैं। जैसे जेएनयू में अगर हम देखेंगे तो 100 क्वेश्चन का क्वेश्चन बैंक होता है, बीएचयू में 120 का होता है। यहाँ के क्वेश्चन मार्किंग भी अलग होते हैं। जैसे जेएनयू का जो होगा वो 100 क्वेश्चन होंगे और 100 नंबर के मार्क्स होंगे, लेकिन बीएचयू में 120 क्वेश्चन होंगे और यहाँ पे टोटल मार्क्स 480 के मार्क्स होंगे। तो यहाँ पे ये कुछ डिफरेंट है। हालांकि अब जो भी एंट्रेंस एग्जाम हो रहे हैं वो यूजीसी के थ्रू एनटीए कंडक्ट करा रही है, तो इन फ्यूचर में ये क्वेश्चन के जो नंबर्स हैं वो बढ़ा भी सकती है और घटा भी सकती है। इसका कोई फिक्स नोटिस अभी तक नहीं आया है। लास्ट टाइम पे जितने भी एग्ज़ाम अभी तक हुए हैं, अगर हम 10 सालों का रेफरेंस लेते हैं, तो 120 क्वेश्चन ही फिक्स किए गए हैं। तो इन्हीं चीज़ों को हम देखेंगे कि जो अलग अलग यूनिवर्सिटी जिन फिक्स नंबरों पर क्वेश्चन पेपर पर क्वेश्चन देती है, उसी नंबर पर कराती है, तो वो अभी तक वही कंटिन्यू है। लेकिन अगर आगे एनटीए ने इस पर अपना हाथ लगाया और वो कुछ पैटर्न में चेंज करे, एग्ज़ाम में क्वेश्चन की चेंज करे, मार्किंग स्कीम में चेंज करें, तो वो उसकी नोटिस जो भी आएगी वो आपको बताई जाएगी। फिर हम बात करेंगे कि यहाँ पे माइनस मार्किंग भी है। माइनस मार्किंग में ये देखेंगे कि अगर आपका हर एक क्वेश्चन सही होता है तो उस पर 4 मार्क्स दिए जाएंगे, अगर आपके एक भी क्वेश्चन गलत होते हैं तो उस पर 1 मार्क्स काट लिए जाएंगे। इसका टाइम ड्यूरेशन जो है वो 2 घंटे का है। मैंने आपको बताया कि आप जैसे कोई गेम खेलते हैं तो आपको ऐसे ही प्ले करना है कि आपका मतलब जितना भी आप क्वेश्चन करें वो 120 टोटल क्वेश्चन है या 100 का क्वेश्चन है, तो आपको 80 या 90 इतने करने हैं कि जिससे आप सेफ जोन में आ सके और आप एग्ज़ाम क्वालिफाई करके बीएचयू या अदर किसी यूनिवर्सिटी में आ सके। फिर हम बात करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। इसके लिए सबसे बड़ी जरूरी चीज़ ये है कि आपका जो यूजी हुआ हो वो किसी अच्छे इंस्टीट्यूट से हुआ हो, या आप जहाँ से किए आपने पढ़ाई अच्छी तरीके से की हो। और दूसरी चीज़ इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आपको बीएचयू में या किसी भी यूनिवर्सिटी में जो यूजी पीजी के लिए अप्लाई करना है उसमें आपको 50% चाहिए। ये अलग अलग कैटेगरी का अलग अलग दिया गया है, जैसे कुछ बैकवर्ड है या कुछ अदर है कास्ट के, तो उनको भी कुछ यहाँ पे 50 बताया गया है। जो एवरेज स्कीम है वो मैंने आपको बताई कि जो
एवरेज मार्किंग का है वो 50% है, तो मैंने ये आपको बताया है। बाकी कुछ जगह है कि पीजी के लिए आपको 40 भी चलेगा, आपको 60 कंपलसरी है। तो जो इन चीज़ों पे है तो आपको मोस्टली ध्यान रखना है कि आपको 50% से ऊपर आना है अगर आप पीजी में एडमिशन लेना चाहते हैं। फिर हम बात करेंगे सिलेबस की। हमारा जो हिस्ट्री का सिलेबस है वो बहुत बड़ा है। अगर हम उसको देखेंगे तो 4 पार्ट में हम डिवाइड करते हैं, मोस्टली एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न और वर्ल्ड हिस्ट्री की बात करते हैं। हालांकि ये सिलेबस इतना बड़ा है, इसको कवर करने में ही हमारा 3 साल जाता है। हमारे टीचर्स परेशान हो जाते हैं कि किस तरीके से हमारा सिलेबस कवर करना है। वो पूरा सेमेस्टर चलाते रहते हैं, हर सेमेस्टर में अलग अलग पेपर कोड करा देते हैं कि किस तरीके से पूरे सिलेबस को कवर करना है। और अब हम इंट्रेंस की बात करें तो इंट्रेंस के टाइम पे तो हमें पूरा सिलेबस कवर करना पड़ता है जो हम पिछले 3 सालों में पढ़े होते हैं। तो हम बात करेंगे यहाँ पे एंशिएंट के सिलेबस की, ये एंशिएंट में हमको कितना पार्ट कवर करना रहेगा, कहाँ से कवर करना रहेगा। फिर मिडिवल में हम किस टॉपिक को कहाँ कहाँ कवर करेंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है, जो अब तक के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है। फिर हम देखेंगे मॉडर्न की, जो मॉडर्न का है वो टाइम पीरियड कहाँ से कहाँ हो रहा है, मॉडर्न की क्या क्या मटेरियल है, किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं, कहाँ तक जरूरी है। फिर वर्ल्ड हिस्ट्री में कहाँ कहाँ किस किस कंट्री से क्वेश्चन उठाए गए हैं, जो भी इंडिया में वर्ल्ड में नेशनलिज्म है, फासिज्म है, नाजिज्म है, जो वर्ल्ड वॉर हो रहे हैं, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो रहे हैं, जिस तरीके से वर्ल्ड की इकोनॉमिक में चेंज आ रहा है, ये किस तरीके से आ रहा है, कहाँ कहाँ पे चेंज आ रहा है, और ग्लोबलाइजेशन का क्या क्या इफेक्ट हुआ है, ये सारी हिस्ट्री जो है, चाहे हम वर्ल्ड की बात करें चाहे इंडिया की बात करें, तो हम सारी ये इंट्रेंस के प्रिपरेशन के टाइम पे पढ़ेंगे। जो हमारा 3 साल का सिलेबस है वो बस कुछ ही महीनों में कवर हो जाएगा। फिर हम बात करेंगे एंशिएंट हिस्ट्री का। एंशिएंट हिस्ट्री में हमारा जो, क्योंकि एंशिएंट हिस्ट्री हो या मिडिवल, सबसे कम पोर्शन मिडिवल का लगा करता है, बट सबसे अगर हम ज़्यादा देखें तो मॉडर्न और एंशिएंट का पार्ट ही होता है जिसको कवर करने में हमारा ज़्यादा टाइम लगता है। फिर हम बात करेंगे कि एंशिएंट में हमें किन किन चीज़ों का पढ़ना है। जैसे यहाँ पे कुछ टॉपिक लिखे हुए हैं जो सिलेबस के अकॉर्डिंग है कि इंट्रोडक्शन एंशिएंट का, अगर हम लोग सोर्सेज की बात करें, इंट्रोडक्शन की बात करें कि कहाँ से शुरुआत हो रही है, किन किन चीज़ों को से हिस्ट्री की, एंशिएंट हिस्ट्री की शुरुआत हो रही, उन चीज़ों को कवर करना है। फिर हम देखेंगे स्टोन एज आ रहा है, स्टोन एज में किस तरीके से अलग अलग मेसोलिथिक, लियोलिथिक और चैकोलिथिक की बात हो रही है, जो अलग अलग फेज है स्टोन एज के, उनकी बात हो रही है। फिर हम देखेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन, क्योंकि जब भी सिविलाइजेशन की बात होती है तो हम मोस्टली इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करते हैं, और वर्ल्ड लेवल पर देखें तो मेसोपोटामिया है, इजिप्ट की सभ्यता है, वहाँ की भी बात करेंगे। तो जो अलग अलग सभ्यता है, लेकिन उन सबको अगर हम देखेंगे तो इंडस वैली का नाम कहीं ना कहीं सबसे ऊपर लिया जाता है कि ये, और जो चूंकि सबसे बड़ी खुशी की बात ये है कि ये इंडस वैली सिविलाइजेशन हमारे भारत की सभ्यता है, जो कि उस समय पाकिस्तान नहीं था, तो ये पूरा भाग जो था वो हमारे इंडिया में ही आता था। फिर हम आगे बात करेंगे कि वैदिक पीरियड की, किस तरीके से आर्यन भारत में आ रहे हैं और सिंधु सभ्यता का पतन हो रहा है, चीज़ें आगे कैसे बढ़ रही हैं, इसको हम कवर करेंगे। किस तरीके से हमारे वेदा लिखे जा रहे हैं, हमारे आईपी का क्रिएशन हो रहा है। फिर हम बात करेंगे रिलीजियस मूवमेंट की, कि किस तरीके से अगर हम देखें तो 600 बीसी के टाइम पीरियड में किस तरीके से जैनिज्म, बौद्धिज्म इंडिया में फैल रहा है, और किस तरीके से लोग इसको आगे बढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, लोग इसका सपोर्ट कर रहे हैं, लोग इसको कंसीव कर रहे हैं, तो इन बातों को हमको ध्यान देना है। फिर हम देखेंगे 16 महाजनपद की बात आ रही है, ये सारे जो टॉपिक हैं वो सब एंशिएंट के कवर किए जा रहे हैं। कि 16 महाजनपद जो उस टाइम, अगर हम 6वीं ईसा पूर्व की बात करें तो उसमें किस तरीके से, जब 600 बीसी की बात की जा रही है, तो जैनिज्म, बौद्धिज्म के बाद जो मगध का उत्कर्ष हो रहा है, किस तरीके से विभिन्न वत्सवली और किस तरीके से विभिन्न क्षेत्रों में ये महाजनपद की उदय हो रहा है, जो पूरे भारत में 16 महाजनपदों की बात की जा रही है। फिर हम देखेंगे कि मगध का किस तरीके से उत्कर्ष हो रहा है, चूंकि इसके बाद हम देखेंगे चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो एक बड़े सम्राट के रूप में भारत में उभर आ रहे हैं, गुप्त मौर्य वंश की स्थापना हो रही, नंद वंश का पतन हो रहा है, तो वो भारत में किस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, एक सम्राट, एक साम्राज्य की स्थापना कर रहे हैं। हम सिकंदर के आक्रमण के बारे में बात करेंगे, क्योंकि उसी कुछ टाइम पीरियड में 326-327 BC के टाइम पीरियड में सिकंदर का आक्रमण हो रहा है, जो कि विश्व विजेता कहा जा रहा है, पूरे विश्व को जीतने वाला, लेकिन वो भारत से किस तरीके से जीत कर लौट रहा है, और वो भारत को ही अपना समस्या मानता था, लेकिन यहाँ से जाने के बाद उसकी जो भविष्यवाणी की गई थी वो कहाँ तक सत्य हुई, कहाँ तक नहीं, इन सब चीज़ों को भी देखेंगे। फिर हम देखेंगे कि भारत में किस तरीके से
बाहर से लोग आ रहे, चाहे वो पर्थियन हो चाहे फिर वो पर्सियन हो, यूनान के लोग आ रहे हैं, भारत की सभ्यता संस्कृति को समझ रहे हैं, यहाँ पे किताबें लिख रहे हैं, और फिर कुछ लोग यहाँ पे शासन करने आए हैं। जैसे हम मेनांडर की बात करेंगे जो भारत में आते हैं और यहाँ से बौद्ध शिक्षा ग्रहण करते हैं नागसेन के थ्रू। उनकी ये जो घटना है वो मलिंद पन्हों में बताई गई है, ये एक बौद्ध लिटरेचर है जिससे पता चल रहा है कि ये शासक भारत में आ रहा है और किस तरीके से यहाँ के कल्चर को एक्सेप्ट कर रहा है। फिर हम मौर्यन एम्पायर की बात करेंगे कि उस टाइम एक बड़े लेवल पे किस तरीके से मौर्य साम्राज्य स्थापित हो रहा है, ये किस तरीके से आगे चल रहा है, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य की बात करेंगे, बिंदुसार की बात करेंगे, अशोक की बात करेंगे कि किस तरीके से अगर हम देखें तो आज भी हमें उनके अवशेष मिलते हैं जिनके बारे में अगर हम कहें तो इतिहास गवाह है उन चीज़ों का कि वो चीज़ें आज भी उपस्थित हैं। चाहे हम अशोक चक्र की बात करें, ये आज भी सारनाथ में रखा गया। अशोक स्तंभ की बात करें, ये अभी भी सारनाथ में उपस्थित है। अगर हम चंद्रगुप्त के कुछ एविडेंस की बात करें या अशोका के एविडेंस की बात करें या अन्य किसी शासकों के एविडेंस की, तो वो आज भी भारत में जो सुरक्षित तौर पर बचे हैं वो देखने को मिलते हैं, जिससे पता चलता है कि हाँ ये घटनाएँ घटित हैं, हमारे इतिहास ऐसा रहा, हमारे इतिहास ने हमको क्या सीख दी, हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, किन चीज़ों को आगे ध्यान में रख के आगे है। फिर हम देखेंगे कि पोस्ट मॉर्यन पीरियड में हम देखेंगे किस तरीके से मॉर्यन एम्पायर का पतन हो रहा है, क्योंकि जो चीज़ें भारत में जिन चीज़ों का उदय होता है उनका अस्त भी होता है एक टाइम पीरियड के बाद। तो हम यहाँ देखेंगे कि मॉर्यन टाइम पीरियड का उदय हुआ लेकिन किस तरीके से इनकी सभ्यता संस्कृति आगे बढ़ी, लेकिन बाद में देख रहे हैं कि उनका पतन हो रहा है। उनके पतन होने के बाद भी कुछ चीज़ें, कुछ नए राजवंशों का उदय हो रहा है, जैसे सुंग का हो रहा है, कुषाण डायनेस्टी आ रही है, सातवाहन डायनेस्टी आ रही है, सक क्षत्रप भारत में आ रहे हैं। और फिर हम आगे देखें कि किस तरीके से गुप्ता डायनेस्टी आगे बढ़ रही है, उनका टाइम पीरियड चल रहा है, किस तरीके से उनके अलग अलग टाइम पीरियड में अलग अलग शासकों, अलग अलग राजाओं के बारे में कि उन्होंने अपनी सभ्यता संस्कृति, अपना प्रशासन, अर्थव्यवस्था किस तरीके से चलाया है, उनके बारे में जो हमें सोर्स मिल रहे हैं वो कहाँ कहाँ तक कवर किए हैं, उनमें जो उन चीज़ें एक्सप्लेन हुई हैं वो उस टाइम कैसे इम्प्लीमेंट की जाती थी, क्या क्या रिफॉर्म्स किए जाते थे, जो आज हम एक सुदृढ़ सभ्य समाज पाते हैं वो ये इसकी समाज की शुरुआत और स्थापना किस टाइम पीरियड से हुई है, कहाँ से एक कॉन्सेप्ट आया है कि आज हम एक समाज की बात करते एक समाज में रहते हैं, तो इन चीज़ों को देखेंगे। फिर हम संगम लिटरेचर की बात करेंगे कि साउथ में संगम लिटरेचर, एक संगम साहित्य हो रहा है जिसमें एक सम्मेलन की बात की जा रही है, जिसमें विभिन्न कवियों विद्वानों द्वारा उनके जो अगर हम कहें सभ्यता संस्कृति उनकी जो विरासत है उसके बारे में हमें जानकारियां मिल रही है कि किस किस तरीके से कांचीपुरम में हो रहा है, और दक्षिण भारत की जो विविध सभ्यता संस्कृति है, जो वहाँ का कल्चर है उसके बारे में हमें जानकारियाँ मिल रही है। फिर हम गुप्ता पीरियड की बात करेंगे कि किस तरीके से आज हम अगर चंद्रगुप्त मौर्य द्वितीय की बात करें, जो गुप्त वंश में बहुत महान शासक थे, समुद्रगुप्त की बात करें, अगर हम देखें स्कंदगुप्त की बात करें, कुमार गुप्त की बात करें, तो ये हम देखेंगे कि किस तरीके से ये शासकों ने भारत में विभिन्न जगह कार्य किया है, भारत का क्षेत्र विस्तार किया। अगर समुद्र की गुप्त की बात करते हैं, जो लोग इतिहास पढ़े होंगे वो अच्छे से जानते हैं कि वो उत्तरापद और दक्षिणापद का विजय कर रहा है, वो किस तरीके से सिक्कों का प्रचलन करा रहा है, अपने विभिन्न इच्छाओं को अपनी विभिन्न मुद्राओं में, जैसे वो बीड़ा बजाते हुए राग करते हुए सिक्के प्रचलित करा रहा है। फिर अगर हम देखेंगे चंद्रगुप्त मौर्य का कि वो स्वर्ण के सिक्के करा रहे हैं, और फिर हम देखें इनकी प्रशस्ति जो है समुद्रगुप्त की, हरिषेढ़ जो लिख रहे हैं इन पे व्याख्या प्रयाग प्रशस्ति जिसके नाम से हम जानते हैं, वो किस तरीके से उनमें उनकी व्याख्या कर रहे हैं। हालांकि प्रयाग प्रशस्ति में बहुत सारे ये अशोक के भी कुछ अवशेष प्राप्त हुए हैं उसमें, जो उनके बारे में साहित्य के उस पुरातात्विक तौर पर लिखा गया है। फिर हम देखेंगे कि उसी स्तंभ लेख में कुछ लोगों ने और भी ऐड कराया, और हम देखेंगे जो आज हम मंदिर का निर्माण देखते हैं वो मोस्टली गुप्ता टाइम पीरियड में ज़्यादा उभर के आया, उन्हीं लोग की देन है कि आज मंदिर के विभिन्न प्रकार की शैलियाँ और विभिन्न प्रकार के मंदिरों का निर्माण हो रहा है, जिनमें सुधार हुआ, विभिन्न गोपुरम बना रहे हैं, उसका प्रदक्षिणा पथ बन रहा है, और मंदिर को किस तरीके से स्थापित वर्गाकार किया जा रहा है, आयताकार किया, घनाकार, ये मंदिर का जो स्ट्रक्चर है ये इनके टाइम पीरियड से स्टार्ट हुआ है। फिर हम बात करेंगे पोस्ट गुप्ता पीरियड की, जिसमें हम वर्धन डायनेस्टी की बात करेंगे कि किस तरीके से हर्षवर्धन जो कि 7वीं शताब्दी में काफ़ी अच्छे रूप से उभर रहे हैं, और वेंगस्यान भारत में आ रहे हैं, और फाइयान तो गुप्ता टाइम पीरियड में आए थे चंद्रगुप्त के टाइम पे, कि लोग बाहर से विदेशों से भारत में आ रहे हैं, भारत के बारे में लिख रहे हैं, भारत का जो संस्कृति और विद्या का केंद्र तक्षशिला हुआ या विक्रमशिला हुआ, यहाँ पे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, भारत को भारत में बौद्ध धर्म का अध्ययन कर रहे हैं, जैन धर्म का अध्ययन कर रहे हैं, भारत के बारे में लिख रहे हैं, इसको हम देखेंगे।
फिर हम यहाँ पे देखेंगे कि प्री मेडिवल पीरियड जो है ये 800 से 1200 ईसा पूर्व इसमें बताया जा रहा है। इसमें हम ये देखेंगे कि इस्लाम का उदय हो रहा है, लोग वहाँ पे हम मीर कासिम का आक्रमण देखेंगे, किस तरीके से सिंध पर आक्रमण हो रहा है, पहली बार हो रहा है, और किस तरीके से लोग एक सेंट्रल एशिया के पार्ट से निकल के ईस्ट एशिया की तरफ आ रहे हैं। फिर हम साउथ हिस्ट्री की बात करेंगे कि साउथ हिस्ट्री में जो कल्चर है, जिस तरीके से चीज़ें बताई गई हैं, वहाँ की सभ्यता लिटरेचर जो है, उन्होंने बहुत ज़्यादा अपनी लिटरेचर को बहुत सेव करके रखा, अपने कल्चर को। अभी तक अगर हम साउथ में कभी विजिट करने जाएं तो वहाँ मंदिरों का जो कल्चर है, वहाँ पे जो आर्किटेक्चर है, वो बहुत ही मतलब अच्छा लगेगा आपको, कि वहाँ पे बहुत शांति मिलेगी। आप जब उनको देखेंगे, उनका अध्ययन करेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि ये किस तरीके से और उस टाइम पीरियड में इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी और इन चीज़ों को रखा गया, और ये आज भी वैसे ही व्यवस्थित और सुसज्जित हैं, तो इनका बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। फिर हम बात करेंगे चोला एम्पायर की। चोला एम्पायर से ही हम एंशिएंट टाइम का कहीं ना कहीं मानते हैं कि अब मेडिवल टाइम शुरू हो जाता है, क्योंकि चोला एम्पायर जो साउथ इंडिया की बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट रखता है चोला एम्पायर में, कि किस तरीके की टर्मिनोलॉजी कर रहे हैं, जो मंदिरों का साउथ में मंदिरों का निर्माण, जैसे राजेंद्र चोल की बात करें, राजराज चोल की बात करें, तो इन लोगों ने किस तरीके से दक्षिण भारत का पुनरुद्धार किया है, भारत के दक्षिण भारत मंदिरों के निर्माण की शैली पे जोर दिया है, वहाँ का जो प्रशासन चला रहे हैं, मंडप सभा, इन सबको कैसे एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ का रिफॉर्म कर रहे हैं, उसको सुचार कर रहे हैं, इकोनॉमिक किस तरीके से संचालन कर रहे हैं, तो इन सारे जितना भी हम एंशिएंट के जितने भी डायनेस्टी की बात कर लें, या जो भी नए नए डायनेस्टी इमर्ज कर रहे हैं उनकी बात कर लें, डिक्लाइन की बात कर लें, और किस तरीके से उन्होंने पॉलिटिक इकोनॉमिक और सोशियो चीज़ों में किस तरीके से चेंजेस लाए हैं, हम इन सब का जो 3 साल में पढ़ते हैं वो इस एंशिएंट के एंट्रेंस के टाइम पे पढ़ेंगे, कि किस तरीके से हमें कवर करना है। ये हमारा एंशिएंट का पार्ट रहा जी, इन टॉपिकों को कवर करना है। फिर हम बात करेंगे मेडिवल की, मेडिवल हिस्ट्री की। जो मेडिवल हिस्ट्री है वो मोस्टली हम देखते हैं कि जब तराइन का युद्ध होता है और पृथ्वीराज हार जाते हैं, और मोहम्मद गौरी का जो भारत में हो रहा है कि उन्होंने कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत की गद्दी कुतुबुद्दीन ऐबक को ही सौंप के जा रहे हैं, तो ये देखेंगे कि वहाँ से हम अगर बात करें तो मेडिवल टाइम पीरियड की शुरुआत हो रही है, जिसमें हम विभिन्न फिर देखेंगे कि दिल्ली सल्तनत का टाइम पीरियड चल रहा है, जो 1206 से 1526 का चल रहा है। इसमें हम देखेंगे कि विभिन्न शासक जो है हुए, जैसे अगर हम अलाउद्दीन खिलजी की बात करें, मोहम्मद बिन तुगलक की बात करें, और इल्तुतमिश की बात करें, रजिया की बात करें, या विभिन्न ऐसे शासक हुए जिन्होंने बहुत सारे, फिरोज तुगलक की बात करें, जिन्होंने बहुत सारे निर्माण कराए, बहुत सारा चेंज कराया, इस्लाम का प्रचार प्रसार किस तरीके से करा रहे हैं, और वो भारत में किस तरीके से एक नए राजवंश के उदय के रूप में या नए समाज, क्योंकि भारत में उससे पहले कभी इस्लाम का प्रचार प्रसार नहीं हुआ था। मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के बाद अगर हम देखें तो गजनवी के जो 17 बार आक्रमण हो रहे हैं, और फिर गौरी के बाद से ही इस्लाम का प्रचार प्रसार भारत में तेजी से हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे ये नींव पड़ रही है दिल्ली सल्तनत में, कि किस तरीके से अब इस्लाम के नाम पे नींव पड़ रही है। इस बात को हमें ध्यान रखना है कि एक नया कल्चर, एक नई संस्कृति, एक नया धर्म भारत में प्रवेश करके अपना स्थान अपना बना रहा है, तो इन चीज़ों को हम देखेंगे। फिर हम देखेंगे रीजनल एम्पायर ऑफ नॉर्थन इंडिया एंड डेक्कन की बात करेंगे। इसमें हम ये देखेंगे कि किस तरीके से उस समय भारत में क्षेत्रीय स्तर पे विभिन्न नए राजवंशों का उदय हो रहा है, चाहे फिर हम जयचंद की बात करें, मतलब जयचंद का तो खैर छोड़िए, अगर हम क्षेत्रीय स्तर पे देखेंगे तो विभिन्न जो राजपूत डायनेस्टियाँ हैं वो किस तरीके से उभर के आ रही हैं, दक्षिण भारत में किस तरीके का उदय हो रहा है, फिर अगर हम देखेंगे बरार है, गोलकुंडा है, बीजापुर है, ये जो अलग अलग क्षेत्र है, फिर अगर हम ऊपर देखें बुंदेलखंड है, रुहेलखंड है, इन सब क्षेत्रों में राजपूताना, राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों में अगर बात करें तो किस तरीके से नए जो राजपूत और नए शासन, नए रूलर उभर के आ रहे हैं, उनको किस तरीके से हमें कवर करना, हम ये देखेंगे। फिर हम विजयनगर एम्पायर की बात करेंगे। विजयनगर एम्पायर किस तरीके से इम्पॉर्टेंट रहा, यहाँ की सभ्यता संस्कृति कैसी रही, यहाँ की कल्चर कैसी है, क्यों हम विजयनगर के कृष्णदेव राय को इम्पॉर्टेंट देते हैं, इतिहास के परिप्रेक्ष्य से इनका एक अलग ही चैप्टर रखाया गया, हालांकि ये विजयनगर एक नगर के ही बारे में बताया गया, लेकिन इनका क्या महत्वपूर्ण रहा कि हम एक इतिहास के रूप में इनको पढ़ रहे हैं, तो इसको भी हम आगे कंटिन्यू करेंगे जब हम आगे पढ़ेंगे। फिर हम इंडो इस्लामिक कल्चर की बात करेंगे कि किस तरीके से 15वीं-16वीं शताब्दी में भारत में इंडो इस्लामिक कल्चर जो है वो भारत में घुल मिल जा रहा है, हम इसे इंडो इस्लामिक कह रहे हैं।
क्योंकि ये जो दो शब्द हैं दोनों किस तरीके से आप अपने आप में समावेश कर रहे हैं, इनको हमें ध्यान रखना है। क्योंकि भारत में उस समय अगर हम देखें सूफीवाद हो रहा है, किस तरीके से वहाँ के जो सूफी हैं वो किस तरीके से उपदेश दे रहे हैं, वो किस चीज़ को बता रहे हैं। अगर हम उनकी बात करें तो जंजीर की बात कर रहे हैं, अल्लाह की बात कर रहे हैं, निराकार ईश्वर और साकार ईश्वर की बात कर रहे हैं। भारत में और विभिन्न क्षेत्रों पर किस तरीके से उनका प्रचार प्रसार हो रहा है, जैसे अगर मैनुद्दीन चिश्ती की बात करें, ख्वाजा औलिया की बात करें, तो एक जो अलग अलग ये सूफी लोग हैं ये भारत में किस तरीके से क्षेत्रों में विस्तार कर रहे हैं, अपना मत प्रदर्शित कर रहे हैं। जैसे अगर हम अभी बात करें तो हम हरे राम हरे कृष्णा की बात करते हैं, चैतन्य महाप्रभु की बात करते हैं, तो ये उसी जैसे ये धार्मिक प्रचार प्रसार के पर्पज से आए थे भारत में, और ये भारत में किस तरीके से घुल मिल रहे हैं, इसी कारण इसको इंडो इस्लामिक कल्चर कहा जा रहा है। जो इंडो इस्लामिक जो 15वीं-16वीं शताब्दी में भारत में व्याप्त हो रहा है उसके बारे में जानकारियाँ मिल रही है। फिर हम बात करेंगे रिलीजियस मूवमेंट की, जो 15वीं-16वीं शताब्दी है ये इसी का पार्ट रहेगा कि किस तरीके से इसमें हम कवर करेंगे जो विभिन्न सूफीवाद का प्रचार प्रसार हो रहा है, विभिन्न धर्म, चाहे मीराबाई का हुआ, चाहे गुरु नानक का हुआ, जो और भी धर्म है उनके बारे में हम जानकारी लेंगे कि किस तरीके से हम जो हमारे समाज में अगर हम आज सिख की बात करते हैं, जैनिज्म की बात करते हैं, बौद्धिज्म की बात करते हैं, हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, वो किस तरीके से विभाजित और कहाँ कहाँ इनका योगदान रहा। फिर हम बात करेंगे मुगल एम्पायर की, मुगल पैर में हमको जो मोस्टली टॉपिक कवर करना है वो यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन है, फाइनेंशियल है, सिस्टम है, और यहाँ का आर्ट और कल्चर है। जो हम देखेंगे आर्किटेक्चर है कि मुगल के टाइम पीरियड में जो अकबर के रिफॉर्म, वहाँ अकबर की पॉलिसी है, चाहे वो राजपूत पॉलिसी हुई हो, चाहे धार्मिक पॉलिसी हुई हो। फिर हम बात करेंगे कि एडमिनिस्ट्रेशन, उसने किस तरीके से अपना एडमिनिस्ट्रेशन बनाया। हालांकि अकबर के इन कार्यों से पहले शेरशाह ने उसके लिए एक प्रशस्त मार्ग का निर्माण कर दिया था, जिन पे आगे चल के अकबर ने उसको और भी आगे बढ़ाया है। तो हम ये चीज़ देखेंगे कि किस तरीके से चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। फिर हम देखेंगे कि वहाँ पे जो टर्म हो रहे हैं फाइनेंशियल चीज़ें जो हैं उनको किस तरीके से कवर किया जा रहा है, किस तरीके से मनसबदारी बन रही है, जात व्यवस्था सवार चल रही है, युद्ध के टाइम पे कहाँ कहाँ युद्ध हुआ है, कहाँ कहाँ संधियाँ हुई हैं, किन युद्धों को किन नामों से जाना जा रहा है, किस वर्ष हुआ है। क्योंकि एग्ज़ाम के पॉइंट व्यू से देखें तो मोस्टली एग्ज़ाम में टाइम पूछा जाता है, डेट पूछी जाती है कि किस वर्ष हुआ, किस युद्ध को किस नाम से जाना गया, किन शासकों के बारे में जाना गया, तो इन बातों को हम ध्यान रखेंगे। फिर यहाँ का आर्ट एंड कल्चर जो है, आर्ट एंड कल्चर अगर हम देखें तो मोस्टली जो मुगल टाइम पीरियड में जो स्थापत्य कला का निर्माण हुआ है, चाहे हम ताजमहल की बात करें, चाहे हम अगर फतेहपुर सीकरी की बात करें, बुलंद दरवाजा की बात करें, या भारत में जोधा महल, बहुत सारी कलाकृतियाँ हैं जिनका निर्माण मुगल टाइम पीरियड में किया है, जो अपने आप में बहुत बड़ा उदाहरण है। अगर हम हुमायूं के मकबरा की बात करें, शेरशाह सूरी के मकबरा की बात करें, किस तरीके से भारत में उस समय पितरादुरा का यूज किया जा रहा है, एक नई कलाकृतियाँ उसमें किस तरीके से दीवारों में हीरे और लाजवर्द पत्थरों का जड़ाव करके उसको नया रूप, नया आकार दिया जा रहा है, उसकी बात करेंगे। क्योंकि मोस्टली कल्चर जो उस टाइम पूछा जाता है क्वेश्चन एग्जाम में कि मोती मस्जिद का निर्माण किसने कराया, किस टाइम पीरियड में कराया गया, किस शासक के योगदान से कराया गया। अगर दिल्ली के लाल किला की बात करें कि दिल्ली के लाल किला में किस और भी कौन से भाग है, अगर हम इस चीज़ों को देखेंगे तो ये आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चन में आते हैं, जो कि मुगल टाइम पीरियड में, तो ये बहुत एग्जाम में क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, तो हम इसके इस पार्ट को भी अच्छे से कवर करेंगे। फिर हम फॉरेन ट्रेवलर्स की बात करेंगे कि किस तरीके से उस टाइम विदेशी भारत में, जैसे इब्न बतूता आ रहा है, फ्रांसवा बर्नियर भारत में आ रहा है, वो भारत के बारे में अगर हम बात करें तो किस तरीके से भारत में मार्को पोलो आ रहा है, और भी ऐसे बहुत सारे यात्री हैं जो भारत में आ रहे हैं, भारत के कल्चर के बारे में हम लिख रहे हैं, यहाँ की सभ्यता संस्कृति के बारे में बता रहे हैं, यहाँ का व्यापार कैसे चल रहा है, यहाँ का जो सिस्टम है डाक व्यवस्था है वे उस टाइम भी प्रचलित थी, किस तरीके दिल्ली के बाजारों में जगह जगह से चीज़ें आ रही हैं, और दिल्ली के बाजारों से या भारत के अन्य क्षेत्रों से किस तरीके से विश्व के विभिन्न भागों में सामान्य व्यापार हो रहा है, सामान्य जारी, इसकी जानकारी में पता चलती। क्योंकि इंटरनेशनल अगर ट्रेड जो है ये आज का कॉन्सेप्ट नहीं है, ये अगर हम देखें तो ये हमारे एंशिएंट टाइम का कॉन्सेप्ट, लेकिन ये किस तरीके से लगातार चलता आया है और आज एक मजबूती से चल रहा है, इसको हम देखेंगे। फिर हम मराठा एम्पायर की बात करेंगे, क्योंकि अगर हम कहीं ना कहीं देखेंगे कि जिस तरीके से मुगल एम्पायर का पतन हो रहा है, उस तरीके वहाँ पे मराठा भारत में उदय हो रहा है। अगर हम मराठा की बात करें, दक्षिण भारत से उदय कर रहे हैं भारत में, किस तरीके से उत्तर भारत के विभिन्न क्षेत्रों को कवर कर रहे हैं, भारत में अपना ये अलग सरदेशमुखी वसूल कर रहे हैं। क्योंकि अगर इनका जो मेन कॉन्सेप्ट है
गोरिल्ला युद्ध की बेस पे ये बहुत सारे क्षेत्र पे अधिकार कर रहे हैं, इनका हमें देखना है, क्योंकि इसमें भी बहुत सारे युद्ध हो रहे हैं, जैसे पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ है, ये किस तरीके से उस युद्ध में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, हार रहे हैं, मसाब अब्दाली का किस तरीके से भूमिका रहा है, अंग्रेजों से किस तरीके से जीत रहे हैं, फिर आगे चल के जो संधियाँ हैं या मराठा डिवाइड हो रहे हैं अलग 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 पार्ट में, जैसे भोसले की बात करें, होलकर की बात करें, पेशवा की बात करें, इन सब सारे लोगों को हमें कवर करना है, जो कि एग्ज़ाम में एक मैंने आपको बताया ना कि ये सिलेबस बहुत बड़ा है हमारा हिस्ट्री का, और हमें किस तरीके से कवर करना है, हमें ये ध्यान रखना है कि एंट्रेंस के टाइम पे, क्योंकि हमारी सारी चीज़ें फिर से रिवाइज करनी है, फिर से पढ़ना है, तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि ये जो पोर्शन है, इसको जो हमने 3 साल अच्छे से पढ़ा है, उसे कैसे कवर करना है हम आपको यही बताएंगे, और किस तरीके से सारे टॉपिक को कवर करेंगे। फिर हम बात करेंगे कि मॉडर्न टाइम पीरियड का, मॉडर्न टाइम पीरियड की अगर हम मोस्टली शुरुआत देखें तो जो ये है मुगल एम्पायर के डिक्लाइन से हो रहा है, अगर मुगल एम्पायर का डिक्लाइन हो रहा है उस बेसिस वहाँ देखेंगे तो मॉडर्न टाइम पीरियड का उदय हो रहा है। अगर हम बात करेंगे कि जिस क्योंकि कोई भी मैंने आपको बताया कि जिस चीज़ का उदय हुआ है उसका अस्त होना जरूरी है, संसार में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है आज तक जिसका अस्त ना हुआ हो, तो फिर हम ये भी देखेंगे कि जाहिर सी बात है मुगल भारत में शासन कर रहे हैं तो उनका भी पतन होगा, और उनके पतन होने के बाद उनका स्थान कोई दूसरा लेने आएगा। फिर यहाँ पे बताया गया है कि यूरोपियन भारत में व्यापार करने आ रहे हैं, किस तरीके से भारत में, क्योंकि महारानी एलिजाबेथ का चार्टर एक्ट 31 दिसंबर को 16वीं सदी में आ रहा है, जिसमें आज्ञा दे रही है कि भारत में व्यापार करने की अनुमति है ईस्ट इंडिया कंपनी को, फिर वो भारत में आ रहे हैं विभिन्न, और चाहे फ्रेंच का हो चाहे डच का हो, भारत में आ रहे हैं, भारत से व्यापार कर रहे हैं। अगर और बात करें वास्को डी गामा की, जो उससे पहले ही भारत में आ चुके थे, तो ये भारत के व्यापार के बारे में बात कर रहे हैं, भारत से व्यापार कर रहे हैं, किस विभिन्न बंदरगाहों का उपयोग किया करके भारत से व्यापार किया जा रहा है, इसके इंपॉर्टेंस में बता रहे हैं भारत का व्यापार। ये व्यापार के टाइम पे ही अगर हम देखें तो 1857 तक इनका यही काम चला है, और फिर आगे चल के जब हम देखेंगे 1858 में विक्टोरिया प्रोक्लेमेशन आ रहा है, और फिर ये जो भारत का शासन है ये कंपनी के हाथों से जाके ब्रिटेन की महारानी के हाथों में जा रहा है, तो ये जो ट्रांसफ़र है इसको हम ध्यान देंगे कि किस तरीके से अगर हम देखें तो एंशिएंट टाइम में जो हमारे यहाँ के राजा शासन कर रहे थे, मिडल टाइम में उनके हाथ से शासन जो है वो दिल्ली सल्तनत और मुगलों के हाथ में आ रहा है, और मुगलों के हाथ से शासन हमारे देश का वो किस तरीके से अंग्रेजों के हाथ में जा रहा है, इस बात को हम देखेंगे, ये जो डिफ्रेंशिएट है इसको हमें कैसे से समझना है। फिर हम बात करेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी की और जो बंगाल के नवाब है, क्योंकि शुरुआत तो बंगाल के नवाबों से ही हुई है, और सबसे समृद्धशाली बंगाल आज किस स्थिति में है इसका हम देख रहे हैं, इसकी कहीं ना कहीं देन तो ईस्ट इंडिया कंपनी की ही है कि आज बंगाल इस स्थिति में है, तो इसकी बात करेंगे। फिर हम ब्रिटिश शासन का जो प्रभाव भारत में, भारत की अर्थव्यवस्था में रहा है, इसकी बात करेंगे, क्योंकि अगर हम मोस्टली दादा भाई नौरोजी की जो किताबें हैं अनब्रिटिश रूल पावर्टी इन इंडिया की बात करें, और जो और सारे जैसे रमेश चंद उसमें इंडिया हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक इंडिया की बात कर रहे हैं, इनका हम देखेंगे कि किस तरीके से भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में लिख रहे हैं, भारत को बता रहे हैं कि ये समृद्धशाली है, ये संपन्न है, लेकिन यहाँ से चीज़ें यहाँ से लेके यूरोप में भेजी जा रही है, इसको कमज़ोर किया जा रहा है, इसको वहाँ यूरोप को समृद्ध किया जा रहा है। कहा जाता है कि भारत की ही अस्थियों पे यूरोप खड़ा हुआ है, अगर कहे कि कोई लंगड़ा है वो खड़ा नहीं हो पा रहा तो उसे बैसाखी की ज़रूरत होती है, तो यूरोप को खड़ा होने के लिए भारत ही बैसाखी बनाए हैं। फिर हम 1857 की रिवोल्ट की बात करेंगे, जिसे हम अगर कहें तो फर्स्ट नेशनलिज्म इन इंडिया, इंडियन नेशनल मूवमेंट की बात करते हैं कि किस तरीके से भारत में पहला राष्ट्रीय आंदोलन हुआ है जो 1857, हालांकि इसे कुछ लोग नहीं मानते, इसे क्षेत्रीय विविधता के तौर पर मानते हैं कि ये क्षेत्रीय समूह युद्ध था जिसमें बस कुछ ही पार्टिसिपेट किए थे, लेकिन अगर हम मोस्टली जब इसको पढ़ेंगे तो अच्छे से जानेंगे कि इस जो युद्ध हो रहा है 1857 का जो युद्ध हो रहा है उसमें किसान पार्टिसिपेट कर रहे हैं, अदर हिंदू पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मुस्लिम पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो आर्मी में जो अंग्रेजों की ब्रिटिश सेना में काम कर रहे थे वो किसान जवान जो वहाँ की युद्ध के सिपाही थे वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, क्योंकि जो सिपाही है वही तो किसान है उस क्षेत्र का, वही तो किसान है। कहा जाता है ना कि बंगाल का ये अवध जो है वो पौधशाला रहा है आर्मी का, तो ये यहीं पर क्षेत्र पे तो शासन कर रहे हैं और यही अंग्रेजों के यहाँ नौकरी कर रहे हैं और इन्हीं के परिवार पे आक्रमण किए जा रहे हैं, उन पे बर्बरता की जा रही है, जो उन पे सताया जा रहा है, तो वही है ना कि एक लेवल तक इंसान दबता है फिर उसके बाद आगे वो विद्रोह कर देता है। तो ये जो विद्रोह हो रहा है 1857 का, इसमें किस तरीके से विभिन्न रियासतों ने किन किन बिंदुओं को लेकर लड़ाई की है, जैसे हड़प नीति की बात हुई, विलय नीति की बात हुई,
और अगर हम मोस्टली देखें तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की क्या भूमिका रही, अन्य क्षेत्रों के जो शासक रहे हैं उनकी क्या भूमिका रही, और किस प्रकार गवर्नर जनरल भारत में क्या क्या कर रहे हैं जिनका परिणाम ये विद्रोह हो रहा है, और क्या सुधार कर रहे हैं, जैसे अगर हम देखें तो सती प्रथा हटाई जा रही है और विद्यासागर द्वारा विधवा विवाह का आयोजन की जा रही है, रिफॉर्म हो रहे हैं, तो ये कहाँ तक देन है और कहाँ तक भारत के लिए खराब रहा है इसको देखेंगे। फिर हम ये देखेंगे जितने भी सिविल रिवोल्ट हुए हैं, जितने भी सिविल किसानों का आंदोलन हुआ है या सिविल रिवोल्ट की बात करें, जो अदर अदर क्षेत्रों पे ट्राइब्स रिवोल्ट हुए हैं उनको देखेंगे कि कहाँ कहाँ क्षेत्रों पे किन किन लोगों ने क्या किस किस पॉइंट ऑफ व्यू से रिवोल्ट किए हैं। अगर जनजाति विद्रोह की बात करें, चाहे फिर वो संथाल को हो, चाहे मुंडा का हो, या अगर हम और बात करें जैसे अभी एक रिसेंट में मूवी आई है RRR, वो भी एक विद्रोह के मॉडर्न टाइम के जब शुरुआत हो रही थी तो एक जनजातीय टाइप से ही विद्रोह हुआ था, उसकी बात हो गई थी, उसी बेसिस पे मूवी बनी है। उसकी बात करेंगे कि किन किन क्षेत्रों पे जनजाति को लेकर समुदायों ने विद्रोह किया है, कहाँ पे किसानों ने विद्रोह किया है, अगर हम फैजाबाद की बात करें या अवध की बात करें या भारत के या उत्तर प्रदेश के अन्य क्षेत्रों की बात करें तो किन किन जगहों पे लोगों ने विद्रोह किया है, क्योंकि ये विद्रोह मोस्टली अगर हम देखेंगे तो किसान कर रहे हैं या जनजातीय लोग कर रहे हैं या ऐसे शोषित हुए लोग कर रहे हैं जो अंग्रेजों के नीचे दबे कुचले जा रहे हैं। फिर हम बात करेंगे डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन इन इंडिया ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। ब्रिटिश रूल के टाइम पे भारत में एजुकेशन के टाइम पे क्या क्या चेंजेस हुए हैं, वो डिस्पैच आ रहा है या हमें हमारी जो एजुकेशन की पॉलिसी है वो कहाँ तक चेंज हुई, मिनट्स ऑफ मैकाले में जैसे बताया गया है कि किस तरीके से उन्हें पर्सन चाहिए जो उनके अकॉर्डिंग काम करे, जो सकल सूरत से इंडिया का हो लेकिन दिमाग से ब्रिटेन का हो, तो उन्हें कैसे तरीके से काम करने वाले चाहिए, उन्होंने क्या क्या एजुकेशन में चेंज किए हैं इन बात को का। फिर हम ICS की परीक्षा की बात करेंगे कि ICS की परीक्षा किस तरीके से वो भारतीयों को ना देने के लिए घटा रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, उनके समर्थन करने पर बढ़ा रहे हैं और विद्रोह करने पर भी देख रहे हैं, परिवर्तन जो उसमें हो रहा है उसकी बात करेंगे। फिर हम न्यूज़पेपर क्या किस तरीके से न्यूज़पेपर उस टाइम रन कर रहा है, किन किन न्यूज़पेपरों का स्थापना हो रहा है जो प्रकाशित हो रहे हैं उनको न्यूज़पेपर, क्योंकि किसी भी समाज में अगर किसी चीज़ का प्रसार प्रचार करवाना है तो न्यूज़पेपर की सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस होती है। तो वो भारत में अगर हम उस टाइम की बात करें कि चाहे बंगाल गजट आ रहा हो, केसरी आ रहा है, मराठा आ रहा है, तो इनकी बात करेंगे कि किस तरीके से भारत में ये न्यूज़पेपरों ने अपनी भूमिका निभाई और जिस तरीके से भारत में राष्ट्रीय आंदोलन में ये भाग लिया। फिर हम बात करेंगे कि इंडिया में जो सोशल कल्चर हो रहा है इसका कहें तो पुनर्जागरण का टाइम पीरियड हो रहा है, कि जो यहाँ पे सोशल चेंज हो रहा है, रिलीजियस चेंज हो रहे हैं, जो लोगों की अंधविश्वास है उसको दूर किया जा रहा है, समाज में महिलाओं को भी स्थान दिया जा रहा है और पुरुषों की समानता दी जा रही है, उन्हें भी समान शिक्षा की बात की जा रही है, उनके लिए किस तरीके से एजुकेशन पॉलिसी में चेंज किया जा रहा है, उन्हें किस तरीके से आगे बढ़ने के उनको भी ग्रेजुएशन और आगे 10th 12th कंटिन्यू करने की बात की जा रही है, उन्हें भी हायर एजुकेशन के लिए फॉरन में भेजा जा रहा है। तो ये जो देखेंगे कि चेंज हो रहे हैं, मूवमेंट्स हो रहे हैं, इसके लिए इस पर कितना इंपॉर्टेंट रहा है, कहाँ कहाँ कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट रहे हैं इसको हम कवर करेंगे। फिर हमने बताया कि पीजेंट रिवोल्ट हो रहे हैं, कहाँ कहाँ हो रहे हैं इस पर बात करेंगे, किस किस टाइम पीरियड में हो रहे हैं, उसका लीडर कौन रहा, इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा, इम्पैक्ट पड़ने के बाद किस तरीके का मतलब सोल्यूशन मिला है कि हाँ आपके विद्रोह करने का ये नतीजा मिला या हमें इसके मुआवजे में ये मिल रहा है, तो वो क्या मिल रहा है इसके बारे में बात करेंगे। फिर हम इंडियन नेशनल मूवमेंट की बात करेंगे, जिसमें हम इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात करेंगे, जगह जगह पर जिन जिन लोगों ने शासन किया, जिन जो जो मूवमेंट हो रहे हैं, जो जो ऑर्गेनाइजेशन बन रहे हैं वो इंडिया में कहाँ कहाँ तक इंपॉर्टेंट है, चाहे फिर वो इंडियन नेशनल की बात करें, इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात करें, मुस्लिम लीग की बात करें, जो अलग अलग क्षेत्रीय स्तर पे अपना कार्य कर रहे हैं, बंगाल विभाजन है उसकी बात करेंगे, और इंडियन नेशनल मूवमेंट में जितने भी मूवमेंट हो रहे हैं उनको देखना है कि असहयोग आंदोलन कैसे रहा, फिर हमें देखना है कि 1929 का क्या टाइम पीरियड है, जो सेशन चल रहा है कराची सेशन, उसका क्या इफेक्ट हो रहा है, भारत में किस तरीके से प्रथम स्वतंत्र दिवस घोषित किया जा रहा है, फिर 1935 में किस तरीके से द्वंद्व शासन व्यवस्था प्रणाली लाई जा रही है, और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन किस तरीके से भारत में उस समय क्या टाइम पीरियड रहा, कैसे प्रभाव भारत में पड़ रहे थे उसको हम देखेंगे, फिर 1947 में भारत की जो स्वतंत्रता है उसको देखेंगे कि आखिर स्वतंत्रता हमें कैसे मिली, किन किन परिणामों के बाद मिली है, और फिर हम देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट जो हमारे इंडिया में 1947 के बाद स्वतंत्रता मिल रहा है इसको सुचारू रूप से चलाने के लिए एक संविधान की आवश्यकता थी, क्योंकि उसी बेसिस पर अगर हम संविधान
संविधान बनाते हैं, निर्मित करते हैं, तब अंग्रेज हमें हमारा भारत छोड़ के विदेश जाते हैं। तो यहाँ पे हम बात देखेंगे कि किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट जो है वो अंग्रेजों के रहते ही वो अपने दिशा निर्देश में कॉन्स्टिट्यूशन बनवा रहे हैं ताकि उनके जाने पर हम भारत को सुचारू रूप से संचालित कर सके। ये जो जितने भी टॉपिक मैंने आपको बताए ये सारे टॉपिक जो है वो मॉडर्न टाइम पीरियड में मॉडर्न हिस्ट्री में कवर किए जाएंगे और इसे हम जो जितने भी पॉइंट्स के क्वेश्चन हैं बनेंगे, जितने भी एंट्रेंस के लेवल पे पूछे गए हैं पास्ट क्वेश्चन जितने भी पूछे गए हैं और जो आगे पूछे जाएंगे, जिनके चांस है कि ऐसे पूछे जा सकते हैं, इस टॉपिक से क्वेश्चन कवर किए जा सकते हैं, उनकी बात करेंगे। फिर हम आगे वर्ल्ड हिस्ट्री की बात करेंगे, क्योंकि वर्ल्ड हिस्ट्री का जो सिलेबस है वो मोस्टली कई यूनिवर्सिटियों या कई यूनिवर्सिटियों में नहीं बताया जाता, बहुत शॉर्ट बताया जाता है। हालांकि अगर हम BHU की बात करें तो यहाँ पे ये चीज़ें काफ़ी अच्छे से बताई गई हैं। और वर्ल्ड हिस्ट्री की हम देखेंगे तो हम रनेशा की बात करेंगे, फिर जो रनेशा में किस तरीके से 1454 की बात हो रही है कि पुनर्जागरण भारत में हो रहा है, लोग इसे पुनर्जन्म की बात कर रहे हैं, अपने नए जीवन की शुरुआत कर रहे हैं। फिर हम देखेंगे कि जितनी भी भौगोलिक खोजें हुई, ज्योग्राफिकल डिस्कवरी जितनी हुई है, किन क्षेत्रों को खोजा जा रहा है, लोग वहाँ व्यापार करने के लिए आ रहे हैं, लोग वहाँ से दास बना के लेके जा रहे हैं भारत में, भारत से या विभिन्न अफ्रीका की बात कर लें, विभिन्न क्षेत्रों से अपने देशों में दास प्रथा लागू हो रही है उस टाइम की, दास बना के लेके जा रहे हैं, लेबर का काम करवा रहे हैं। फिर हम देखेंगे कि जितने भी रिफॉर्म हो रहे हैं और काउंटर रिफॉर्म, क्योंकि उस समय चर्च का बहुत ज़्यादा रोल रहा है, उसमें किस तरीके से सुधार किए जा रहे हैं और किस तरीके से प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं। फिर हम चाहे मार्टिन लूथर की बात करें, ज्विंगलिंग की बात करें, इनको हम ध्यान रखेंगे। और फिर हम अमेरिका वॉर और इंडिपेंडेंस की बात करेंगे कि अमेरिका किस तरीके से, क्योंकि मैंने बताया कि औपनिवेश क्षेत्र बढ़ रहा है, अगर हम जब व्यापार की बात करेंगे, जब 16वीं शताब्दी में महारानी का आ रहा है तो वो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के या विश्व के विभिन्न क्षेत्रों पे कहे तो बहुत सारी, चाहे स्पेन का, पुर्तगाल का हो या बहुत सारे देशों से, यूरोप के देशों से, विश्व के विभिन्न क्षेत्रों पे लोग जा रहे हैं और वहाँ डिस्कवरी कर रहे हैं, वहाँ पे किस तरीके से शासन कर रहे हैं, वहाँ के लोगों को दास बना रहे हैं, लेबर का काम करवा रहे हैं, तो उस तरीके से वहाँ पे लोग उसका अपोज कर रहे हैं। और किस तरीके से वहाँ पे इंडिपेंडेंस की बात करें, स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं, उसको देखेंगे, जिसमें अमेरिका का पहले नंबर पे आ जाता है। फिर हम फ्रेंच रिवॉल्यूशन की बात करेंगे, किस टाइम में फरवरी की क्रांति हुई, अगस्त की क्रांति हुई है, कि क्या क्या रीजन रहे, इसका सामाजिक प्रभाव क्या पड़ा, एग्जाम में क्या क्या इंपॉर्टेंट रहते हैं, जितने भी रिवॉल्यूशन हो रहे हैं या वॉर हो रहा है इसमें क्या चीज़ें पूछी जाती हैं, मोस्टली संधियाँ क्या क्या हुई थी, किस टाइम पीरियड में क्या बताया गया था, क्या वार हुए या कोई सब पत्र आया तो उसको किन चीज़ों को एक्सप्लेन किया गया था, ऐसे कर हुए कितना बढ़ाया गया कितना घटाया गया था, इन चीज़ों को देखेंगे। फिर हम एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की बात करेंगे कि उस टाइम वैश्विक स्तर पर हम देखेंगे कि कृषि और औद्योगिक क्रांतियाँ जो हो रही हैं वो कहाँ तक, इसका प्रभाव वैश्विक स्तर पर कहाँ कहाँ किन किन क्षेत्रों पर पड़ रहा है, किन क्षेत्रों से कच्चा माल लाया जा रहा है, कृषि का भार पड़ रहा है अधिक कच्चा माल उत्पादन करने में। फिर हम देखेंगे कि ये जो कच्चा माल है किस तरीके से यूरोप में जा रहा है और वहाँ मशीनों से निर्मित इन सामानों को फिर से विभिन्न मार्केट में थोपा जा रहा है, फिर चाहे वो भारत की बात करें, अफ्रीका की बात करें, अमेरिका की बात करें, कि वो उनके दाम किस तरीके से बढ़ा रहे हैं और फिर भारत में थोप रहे हैं या अन्य क्षेत्रों पर थोप रहे हैं, तो इसका क्या प्रभाव वहाँ की अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है, इसको हम अध्ययन करेंगे। फिर हम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की बात करेंगे कि 1914 में जो वर्ल्ड वॉर हो रहा है जर्मनी और अन्य देशों का, तो वो कहाँ तक इम्पॉर्टेंट था, क्या सही था और इसके रीज़न क्या थे, क्या क्या युद्ध के बाद संधियाँ हुई हैं, क्योंकि चूँकि हम संधियाँ देखेंगे तो ये 1919 से या पेरिस संधि या 1923 तक देखेंगे कि जो विभिन्न देशों के साथ विभिन्न संधियाँ हो रही हैं। हम देखेंगे कि जो सेंट्रल एशिया का पार्ट है, चाहे वो वहाँ अगर हम देखें ईरान इराक की बात करें या मुस्तफ़ा की बात करें, मुस्तफ़ा कमाल पाशा, वो किस तरीके से अपने क्षेत्र को लेकर चल रहे हैं, अरब के नेशनलिज्म की बात हो रही है, इराक के नेशनलिज्म की बात हो रही है, इजिप्ट के नेशनल, क्योंकि उस टाइम नेशनलिज्म की बात हो रही है, मोस्टली वर्ल्ड वॉर से हमें नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि इंटरनेशनल लेवल पे अगर हम वर्ल्ड में देखें तो किस तरीके से ये आइडियोलॉजी फैल रही है। फिर हम आगे देखेंगे रशियन रिवॉल्यूशन हो रहा है, रशियन रिवॉल्यूशन का क्या इम्पैक्ट पड़ा है, जिस तरीके से रशिया इंडिपेंडेंट हो रही है, जो वहाँ के राजा है, वहाँ किंग के उनके अंडर से हट रही है, वो खुद का साम्यवाद की बात कर रही है। और फिर हम देखेंगे लीग ऑफ नेशन कैसे बना, क्या क्या इसके कौन कौन से कंट्री मेंबर हैं, इसमें क्या क्या सूत्रों का आधारपात किया गया है। फिर हम देखेंगे राइज ऑफ फासिज्म एंड नेशनलिज्म की बात करेंगे कि किस तरीके से जर्मनी और इटली में फासिज्म और नेशनलिज्म की बात हो रही है, एडोल्फ हिटलर ने क्या क्या
कार्य किए, जिनका फिर एक मेजर रीजन निकल के आता है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो जा रहा है, उसको हम देखेंगे। फिर ग्रोथ ऑफ एशियन नेशनलिज्म एंड चाइना एंड जापान की बात करेंगे, क्योंकि नेशनलिज्म का जो कॉन्सेप्ट है वो सिर्फ सेंट्रल एशिया तक नहीं है, वो साउथ ईस्ट एशिया तक भी है। अगर हम जापान की बात करें, चाइना की बात करें, कोरिया की बात करें, तो इन विभिन्न क्षेत्रों पे हम देखेंगे कि नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट आ रहा है, नेशनलिज्म को लोग आगे बढ़ा रहे हैं। तो इसको हमें ध्यान रखना है कि जो नेशनलिज्म कॉन्सेप्ट हो रहा है, लोग अपने यहाँ के ट्रेड को कंट्रोल कर रहे हैं, अपने यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को कंट्रोल कर रहे हैं, लोग पॉलिसी बना रहे हैं, संधियाँ कर रहे हैं। तो ये संधियों का डेट क्या है, किन किन चीज़ों को कवर किया गया है, कहाँ कहाँ तक एग्जाम में इनसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, कोई कंपनी बन रही है जो कंपनी विभिन्न क्षेत्रों में शासन कर रही है, उनके नाम क्या है, उनके डेट क्या है, उनकी मीनिंग क्या है, कई बार ये पूछे जाते हैं। विभिन्न कंपनियों या संधियों के बाद एक जो संधि हो रही है उसमें किन चीजों का आधार बनाया गया है, ये पूछा जाता है एग्जाम में। तो हमें ये सारी चीजें कवर करनी है। फिर हमें देखना है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बन रहा है, इसको हम देखेंगे कि ये कहाँ तक इंपॉर्टेंट रोल कर रहा है इन पूरे वर्ल्ड लेवल में, और कहाँ तक अभी तक सक्सेस है, और इसके कौन कौन से कंट्री मेंबर हुए हैं। तो इन सारी बातों को हमें ध्यान में रखना है। फिर हम करियर अपॉर्चुनिटी की बात करेंगे कि अगर हम हिस्ट्री एमए हिस्ट्री का कोर्स करते हैं, एमए हिस्ट्री को ले रहे हैं, तो इससे आगे चल के हमें क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं, हम किस किस फील्ड में जाके अपना करियर बना सकते हैं। मोस्टली तो अगर हम देखें तो हम पुरातत्ववेत्ता बन सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं, पीएचडी करके विदेशों में जा सकते हैं, वहाँ पे साइट्स पे बार बार विजिट होते हैं, खोजे जाते हैं, जो डिस्कवरी होती रहती है किसी एविडेंस की उसके बारे में स्टडी कर सकते हैं। फिर हम बात करेंगे म्यूजियम कलेक्टर की, बात कर रहे हैं म्यूजियोलॉजी की बात कर सकते हैं कि किस तरीके जो बड़े बड़े संग्रहालय हैं उसमें एक विशेषज्ञ कलेक्टर की भूमिका निभा सकते हैं, वहाँ पे जो अवशेष है उनकी सुरक्षा, उनका संग्रह किस तरीके से किया जा रहा है उसकी बात वो भी एक बहुत अच्छी पोस्ट होती है। मोस्टली इसका अगर हम देखें तो इंडिया में उतना नहीं जितना कि ये फॉरेन में इम्पोर्टेंट रखा गया है। फिर हम आर्किविस्ट की बात करते हैं कि किस तरीके से पुरातत्ववेत्ता जो है ये किस तरीके से पुरानी चीज़ों के बारे में अध्ययन करते हैं, जो कि इतिहास के अंदर में ही आता है, कि उसका एज पता करना कि ये कितनी साल पुरानी है, किन घटनाओं से संबंधित है, इनके बारे में अगर कोई सोर्स अवेलेबल है तो वो सोर्स में इनकी क्या भूमिका बताएगी, इन सारी चीज़ों को जो जिनको हिस्ट्री जानने का जिज्ञासा होती है मन में, वो ये सारे पोस्ट करते हैं। खैर, तो इसमें आपका करियर काफ़ी अच्छा हो सकता है। तो ये भी है कि इंसान आर्किविस्ट बन सकता है। हिस्टोरियन, मोस्टली लोग हिस्ट्री पढ़ते पढ़ते हिस्टोरियन की उपाधि मिली जाती है लोगों को, तो ये हिस्टोरियन का है कि आप इतिहास का अध्ययन कर सकते हैं, इतिहासकार बन सकते हैं, विभिन्न मुद्दों पे विषयों पे लिख के अपनी चीज़ें जो सत्यापित हैं उनको कर सकते हैं, जो संसार में घटित हो रही हैं, घटित हो चुकी उनके बारे में व्याख्या कर सकते हैं आप सबसे। और कई बार क्योंकि अभी हम देखें जो विवादित मुद्दा है जैसे ज्ञानवापिका मस्जिद है, तो इस पर हम देखेंगे कि इसमें मोस्टली हिस्टोरियन एक्सपर्ट जो होते हैं, इतिहास विशेषज्ञ, उनसे पूछा जाता है कि ये घटना कैसे हुई होगी, या जो भी एविडेंस है किस तरीके से इम्पॉर्टेंट रहे होंगे, या इनका निर्माण कहाँ तक जरूरी रहा होगा, ये क्या भूमिका निभाए होंगे इसको, ये जो सारी राय लिए जाती, जो सजेशन लिए जाते हैं मोस्टली एक्सपर्ट से लिए जाते हैं, जो हिस्ट्री के एक्सपर्ट होते हैं, क्योंकि इन्हें इन्होंने पुरानी चीज़ों का अध्ययन किया हुआ होता है, नई चीज़ें कहाँ तक इनके लिए सही है गलत है वो उसका सजेशन देते हैं। फिर हम टीचर्स और प्रोफेसर की बात करते हैं कि अगर हम एमए हिस्ट्री करते हैं तो जाहिर सी बात है हिस्ट्री के टीचर बन जाए, प्रोफेसर बन जाए, मोस्टली कहाँ तक ये बहुत आराम की ज़िंदगी है टीचर और प्रोफेसर की। हालांकि काम बहुत होता है कि एक नई जनरेशन को आप पढ़ा रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं, किस तरीके से उन्हें आगे बढ़ने का ज्ञान दे रहे हैं, तो ये मोस्टली टीचर का ही काम होता है, अंधेरे का दीपक बनना। और फिर हम बात करेंगे सिविल सर्विसेज की, मोस्टली लोग हिस्ट्री जो है वो सिविल सर्विसेज के पर्पज़ से चूज़ करते हैं, क्योंकि इसका सिलेबस ये जो अगर हम यूपीएससी की बात करें, पीसीएस की बात करें, तो इसका जो मोस्टली सिलेबस हो जो होता है वो हिस्ट्री के पार्ट से ही कवर होता है। मोस्टली लोग इसको हिस्ट्री ऑप्शनल में रख लेते हैं, और जो जीएस के पेपर होते हैं उसमें हिस्ट्री के काफ़ी पार्ट पूछे जाते हैं, तो ये काफ़ी ईजी हो जाता है लोगों को सिविल सर्विसेज क्रैक करने में, हिस्ट्री इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो आप लोग को ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा आई होप, और मैं आप लोग को ये बता दूं कि हमारा जो कोर्स है वो रन कराया जा रहा है एमए हिस्ट्री एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए। तो आप लोग में से जो भी उत्सुक हो या जो भी इस कोर्स को लेना चाहे, वो नंबर दिया गया है। ये नंबर है, इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, और हमारा जो पेस कोर्स है उसको आप खरीद सकते हैं। बाकी आपके लिए थैंक यू।